नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत समीक्षा करने के लिए 3 शहरों की यात्रा पर जाएंगे। वह अहमदाबाद, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। पीएमओ ने एक और ट्वीट में कहा है कि जैसा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के एक निर्णायक चरण में प्रवेश करता है, ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का इन जगहों पर जाना और वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श करने से उन्हें नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए भारत के प्रयास की तैयारियों, चुनौतियों और रोड मैप के बारे में पहला दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा और सबसे अधिकतम तापमान जमशेदपुर 28.6 सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान बोकारो 11.1 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 5 दिनों के पूर्वानुमान में कहा है कि झारखंड के उत्तरी मध्य जिलों में हल्की दर्ज की बारिश देखने को मिल सकती है और 28, 29 और 30 को अगले 3 दिनों तक मौसम झारखंड में शुष्क रहेगा। ग्रामीण समस्याएं दूर कर रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में कहा है कि उनकी सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है। गांव, गरीब, किसान, महिला एवं नौजवान के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ग्रामीण जन समस्याओं का समाधान करना व बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना सरकार की पहली प्राथमिकता है। ड्रॉप आउट बच्चों का होगा सर्वे, फिर स्कूलों से जोड़े जाएंगे। सरकारी विद्यालय में सत्र 2020-21 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का हाउस होल्ड सर्वे सोमवार से शुरू होगा। इस सर्वे में चिन्हित होने वाले ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को हाउस होल्ड सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें एक फॉर्मेट दिया गया है जिसके अनुसार वे सर्वे करेंगे। उन्हें 8 दिसंबर तक सर्वे करा लेना है। सर्वे के बाद सैंपल की चेकिंग भी होगी। देवघर से 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र और पत्थरहट्टा ओपी क्षेत्र से 8 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सारठ थाना और पत्थरहट्टा ओपी क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर देवघर में जिला टास्क फोर्स की बैठक। कोविड-19 के संभावित वैक्सीनेशन के संदर्भ में विभिन्न गतिविधियों के सुचारू कार्यान्वयन, निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सिविल सर्जन को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन को प्राप्त करने से लेकर उसे व्यक्ति को देने तक के सभी व्यवधानों का पहचान कर तैयारी सुनिश्चित करे। कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा को लोहरदगा डीसी ने किया सम्मानित। कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय किस्को में 12वीं में अध्ययनरत छात्रा लक्ष्मी कुमारी को शुक्रवार को उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने सम्मानित किया। छात्रा ने लीगल लिटरेसी क्लब क्विज में पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। छात्रा ने बताया कि वह भविष्य में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईपीएस बनना चाहती है। नौकरी की मांग को लेकर कांग्रेस से मिला प्रतिनिधिमंडल। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नौकरी की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की ओर से गठित कमेटी की प्रतिनिधिमंडल से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय छात्रों का एक शिष्टमंडल शुक्रवार को कांग्रेस भवन में आलोक कुमार दुबे आदि से मुलाकात की। साथ ही कृषि विभाग में 4,000 से अधिक रिक्त पदों पर अविलंब बहाल करने की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। रांची उपायुक्त ने की सैन्य कर्मी शिकायत निवारण की समीक्षा बैठक। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने शुक्रवार को सैन्यकर्मी शिकायत निवारण कोषांग की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में सैनिक अर्धसैनिक कर्मियों के भूमि विवाद से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कोषांग के नोडल पदाधिकारी स अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साइबर अपराध रोकने के लिए झारखंड पुलिस ने जारी की जागरूकता पुस्तिका। झारखंड पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रही है।
झारखंड पुलिस की ओर से आम लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए विस्तृत जानकारी युक्त एक समग्र साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता पुस्तिका तैयार कर जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को इसे जारी किया। बता दें, इस दौरान एडीजी मुरारी लाल मीना और आर के मलिक मौजूद थे। मिशन 1 मिलियन स्माइल्स की शुरुआत। उपायुक्त छवि रंजन ने मिशन 1 मिलियन स्माइल्स अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। रांची जिला के एक दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एकजुट प्रयास से जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने के सामूहिक संकल्प के साथ इस मुहिम की शुरुआत की गई है। बता दें, मिशन के समन्वयक उप समाहर्ता संजय कुमार ने बताया कि इस व्यापक मुहिम के माध्यम से जिले के कई महत्वपूर्ण सक्रिय सामाजिक संगठनों ने 10 लाख यूनिट स्वेटर, कम्बल, गर्म टोपी, गर्म मोजे, मास्क आदि के जुटाने तथा उन्हें सुपात्र जरूरतमंदों के बीच बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गढ़वा में 4,000 रिश्वत लेते मुखिया गिरफ्तार। पलामू से आईएसीबी के टीम ने शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे 4,000 रिश्वत लेते सदर प्रखंड के कोरवाडीह पंचायत के मुखिया शरीफ अंसारी को रंगे हाथे दबोच लिया है। बता दें, आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर एसीबी की टीम मुखिया को अपने साथ मेदिनीनगर ले गई। आबादी के अनुसार कम मामले और मौत में झारखंड चौथे स्थान पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न राज्यों के आंकड़े के अनुसार 10 लाख की आबादी पर सबसे कम मामले और कम होने वाली मौत में झारखंड चौथे स्थान पर है। बता दें, देश के 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 10 लाख की आबादी पर राष्ट्रीय औसत 6623 से कम लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बाद चौथे स्थान पर झारखंड है। जापानी भाषा में नामांकन के लिए 10 दिसंबर तक करें आवेदन। रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज स्टडीज में संचालित जापानी भाषा पाठ्यक्रम के सत्र 2020-21 में कुछ सीटें खाली रह गई है। इनमें नामांकन के लिए अभ्यर्थी 28 नवम्बर से 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। रजिस्ट्रेशन, आवेदन व अन्य सभी प्रक्रियाएं संस्थान के कार्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज मोराबादी कैंपस में पूरी की जाएगी। लालू यादव की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को। चारा घोटाला के 4 मामलों में से एक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। बता दें, इस मामले में लालू को 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी और इस समय उनका रांची स्थित रिम्स में इलाज चल रहा है। झुमरी तिलैया में चीफ जस्टिस की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन के कारकेड में चल रही गाड़ियां कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के महतो आरा के पास आपस में टकरा गई। घटना में चीफ जस्टिस के एस्कॉर्ट वाहन के 2 जवान घायल हो गए हैं, जबकि 1 जवान को मामूली रूप से चोट आई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश रांची पटना जा रहे थे। मुख्यमंत्री बताए 10 मंत्रियों के भरोसे कैसे चला रहे हैं सरकार भाजपा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष के नेता थे तो वे भाजपा के 11 सदस्य मंत्रिमंडल को असंवैधानिक बताते थे। वह यह भी कहते थे कि 11 सदस्य मंत्रिमंडल संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं हो सकता है। उस समय उनके अनुसार पूरे 12 मंत्रियों के मंत्रिमंडल का होना संविधान के अनुसार आवश्यक था। इस मुद्दे को उन्होंने विधानसभा और सार्वजनिक मंचों में अनेकों बार उठाया था। प्रतुल ने शुक्रवार को कहा कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद 10 सदस्य मंत्रिमंडल का 2 महीने से ज़्यादा समय से नेतृत्व कर रहे हैं। हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित सिर्फ 10 ही रह गई है। दिसंबर माह से विकास कार्यों में आएगी तेजी, आलमगीर आलम। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि दिसंबर से विकास कार्यों में तेजी आएगी। आलमगीर आलम ने कहा कि पिछले नवंबर में सरकार गठित होने के कुछ ही दिनों बाद कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान कोई चाह कर भी कहीं आ जा नहीं सकता था। कोरोना की वजह से 4 में से 3 बच्चों में नकारात्मक भावनाएं बढ़ी।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से भारत के 4 में से 3 बच्चों में नकारात्मक भावनाएं बढ़ी है। बता दें, सेव द चिल्ड्रेन ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना में किए गए एक अध्ययन के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट जारी करते हुए शुक्रवार को यह बात कही। पारसनाथ में खुलेंगे 4 नए पुलिस पिकेट। माओवादियों को उनके गढ़ पारसनाथ में घेरने की सरकार मुकम्मल तैयार कर रही है। इसी के तहत इनामी माओवादी अजय महतो के गांव पांडे डीह के बाद अब पीराटांड के अति नक्सल प्रभावित ढोलकट्टा, डुमरी के टेसा फुली एवं बनपुरा में सीआरपीएफ पिकेट खोला जा रहा है। बता दें, फिलहाल चारों जगहों पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय को ही पिकेट बनाया जाएगा। झारखंड में 189 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो रांची से 71, जमशेदपुर से 24, बोकारो से 7, देवघर से 4 व अन्य जिलों से नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 108,577 है, जबकि 105,453 लोग स्वस्थ हुए और 962 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 93,51,224 है, जबकि 87,58,886 लोग स्वस्थ हुए और 136,238 की मृत्यु हो गई। भारत में नए केस 41,353 मिले हैं। भारत में एक्टिव केस 453,960 है, वहीं झारखंड में एक्टिव केस 2162 है। झारखंड में एक्टिव केस रांची 774, पूर्वी सिंहभूम 313, बोकारो 113, धनबाद 111, गुमला 81, रामगढ़ 81, सरायकेला 74, पाकुड़ 58, पलामू 58, हजारीबाग 51, देवघर 49, गढ़वा 49, खुट्टी 41, साहिबगंज 39, जामताड़ा 35, लोहरदगा 35, दुमका 34, चतरा 28, पश्चिमी सिंहभूम 28, कोडरमा 23, गिरिडीह 12, गोड्डा 13 व सिमडेगा में 18 मरीज एक्टिव हैं। धन्यवाद। कल से आपको 25 खबरें मिलते रहेंगे, तो वीडियो को एक लाइक कर, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ बॉल का बेल आइकन दबा ले। साथ ही साथ आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दे। थैंक यू।